अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया था लास्ट में भाई? किसी भी वो तो पूरे सॉलिड के कारण निकल के आया था। ठीक है, अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का, वो पढ़ेंगे। इसमें लिखो पेयर ऑफ टू इक्वल चार्जेस, टू इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट नेचर, एंड अपोजिट नेचर एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। एक सेकंड क्या लिख लिया? अ पेयर ऑफ टू इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट नेचर लोकेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, लोकेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अ पेयर ऑफ इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट नेचर लोकेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ये लिखवाया है, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, दो चार्जेस है, ठीक है ना, एक ये एक ये। इसको प्लस क्यू चार्ज बोल दो, इसको माइनस क्यू, यानी कि इनकी जो नेचर है वो अलग अलग है, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। जैसे मान लो ये 10 कूलाम है तो ये भी 10 कूलाम ही होगा, समझ में आया। और ये एक दूसरे से बेटा कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, बहुत ही छोटी स्मॉल, बहुत छोटी डिस्टेंस है ये, ठीक है ना। तो इस पूरे सेट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, अ पेयर ऑफ इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट नेचर, यानी इक्वल चार्ज होना चाहिए और अपोजिट नेचर होना चाहिए, और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर क्या वो लोकेट होने चाहिए। इस कंडीशन में जो तो बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें हेडिंग डालो एक्सिस लाइन, एक्सिस लाइन इन बना लिए, बनाओ। लिख लिया एक्सिस लाइन, इसमें लिखेंगे द इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन जॉइन जॉइन द टू चार्जेस, द टू चार्जेस
ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इज कॉल्ड एक्स इज लाइक, एक्स इज लिख लिया, इसके बाद हम डालेंगे इलेक्ट्रिक इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन इसमें लिखेंगे द लाइन, द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस लाइन एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर लाइन। लिख लिए लिख रहा है। अच्छा एक्सिस लाइन क्या होती है, जो जो चार्जेस है ना इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस लाइन बोलेंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में, इनको ज्वाइन कर रही है लाइन, ये दिख रही है, इनको एक्सिस लाइन बोलेंगे। और इक्वेटर लाइन क्या होती है, एक्सिस लाइन के मिड पॉइंट से जाने वाली और परपेंडिकुलर लाइन, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटर लाइन बोलेंगे। दोनों का मतलब समझ में आ गया ना। अब अगली हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल इसको P से दिखाते हैं ना, P वेक्टर से। इसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस of electric dipole and the distance between those charges is called electric dipole movement. मतलब क्या है इसका, लिखवा दो दूसरे टाइप, बहुत बार पेपरों में आई है डेफिनेशन यही वाली। इसका मतलब क्या है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया था मैंने अभी, ये प्लस क्यू चार्ज लिया था यहाँ पे, यह माइनस क्यू चार्ज लिया था,
और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने उसमें आर लिखवाई थी, ए लिखवाई थी, उसको टू ए कर लेना है ना, तो टू ए होती है, टू ए डिस्टेंस होती है, टू ए ना, टू ए क्यों लेते हैं बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, क्यू और क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, टू ए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पी, पी क्या होता है बेटा, इन दोनों में से एक ले लो कोई, सेम है तो कोई भी ले लो, और इनके बीच का डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई करो। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या निकल के आएगा आपको, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकल के आएगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टू ए वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। समझ में आया? अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, एसआई यूनिट क्या निकल के आएगी, पी का फॉर्मूला क्या निकल के आया था अभी भाई, चार्ज इनटू डिस्टेंस ही तो है फॉर्मूला। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इंटू मीटर। सुनना है, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम इंटू मीटर है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, नोट करें। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन किधर होती है इसकी, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is from negative to positive, लिख लिया। ये मैं इसको पढ़ के देखू इन बातों के मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट सुनने आ जाना। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कुछ नहीं है बेटा, डायपोल में जो चार्जेस दे रखे हैं उसको लेना है और उनके बीच की डिस्टेंस को लेना है, तो क्या करना है आपको उनका मल्टीप्लाई करना है, क्या निकल के आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकल के आएगा, ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा जो बहुत बड़ी डेरिवेशन है एक तरीके से, लेकिन टेंशन वाली बात तो नहीं है, जो भी उसको अपन आराम से करेंगे। टाइम देख सकते हो टाइम कितना हो रहा है, आठ हो जाएगी एक डेरिवेशन हो जाएगी। थर्टीन डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जो करना क्या है कि ये माइनस है और ये प्लस, ठीक है ना। माइनस से प्लस होती डायरेक्शन, इसलिए मैं ये माइनस प्लस लेके चला। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a, ठीक है ना। इधर तो पता ही है, इसका मिड पॉइंट जो होगा उसको ओ नाम देंगे, तो ए इधर हो जाएगा और ए इधर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस कितने पर, एक पी पॉइंट है, मिड पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, और ये पी पॉइंट इस एक्सिस पर ही है, एक्सिस को आप आगे बढ़ाओगे तो इस पर ही क्या पी पॉइंट है। तो इस P पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब समझ में आया करना क्या है भाई, हमें क्या करना है, तो दो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो आप इस पर तो ये भी फोर्स लगाएगा P पॉइंट पर और ये भी फोर्स लगाएगा P पॉइंट पर, तो इन दोनों के इफेक्ट में नेट फोर्स कितना आएगा वो हमको निकालना है, ठीक है ना। स्टार्ट करें, देखो सबसे पहले बात करते हैं पी की, इसकी प्लस क्यू चार्ज की। अच्छा निकालने के लिए क्या करते हैं हम जो है यहाँ पे क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आते हैं कि नहीं आते, लाते हैं ना। तो मान लो यहाँ पे क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए हैं, तो इसके कारण, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के कारण निकाल रहा है इंटेंसिटी, तो कितना है, इसको ए नाम दे दो पॉइंट को, इसको बी नाम दे, ठीक है ना। तो मैंने इसको ई वन नाम दे दिया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। आर क्या होता है बेटा, इस चार्ज पार्टिकल की इससे डिस्टेंस होती है, यानी कि यहां पे आएगा बीपी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर आएगा, बीपी का स्क्वायर। क्या बीपी की वैल्यू पता है आपको, आर का है बीपी की वैल्यू, आर तो ओपी की वैल्यू है, बीपी की वैल्यू क्या है बताओ। देखो ध्यान से, थोड़ा साइड में कर देता हूं मैं, रफ वर्क के हालांकि
देखो ओपी आपका आर है कि नहीं, ओपी आपका आर है, तो बीपी कितना होगा भाई? ये ओ है कि ओपी, ओपी जो ए है कि नहीं, तो बीपी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आर माइनस ए कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? ऐसे ही एपी की भी जरूरत पड़ेगी भी कुछ देर में, तो वो आर प्लस ए होगा, ठीक है ना? दो चीज आपको माइंड में रखनी है, निकाला कैसे जाता, ठीक है? के क्यू बीपी का हो गया आर माइनस, यहां पे कैप और लगता था, आर कैप लगता था ना, तो यहां पे क्या आएगा, बीपी कैप आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बीपी कैप आ जाएगा। एक काम करो, इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसकी डायरेक्शन के, डायरेक्शन लिख देता हूं बगल में, डायरेक्शन किधर होगी भाई, प्लस का चार्ज लेकर के आ रहे, उसको भगाएगा ना दूरी, तो डायरेक्शन होगी बी टू पी, बी टू पी का मतलब है बी से पी की तरफ, ठीक है ना? डायरेक्शन किधर होगी, बी टू पी, क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ऐसे ही माइनस वाले के कारण निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की बात करेंगे, मैंने इसको E2 नाम दे दिया, मैग्नीट्यूड तो सेम है ये, क्यू डिस्टेंस आपकी AP काउंट होगी इस जगह पे, क्या काउंट होगी, AP, तो E2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, K Q अपॉन में R प्लस A का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये माइनस का है ये प्लस का, तो खींचेगा अपनी तरफ, तो किधर होगी, P2 A, समझ में आया कि नहीं आया? ये दो चीज क्लियर है कि नहीं है, बताओ क्लियर है? अच्छा, नेट कैसे निकालेंगे, नेट कैसे निकाला जाएगा, एक बात कर, मेरे में ज्यादा कौन है, ईवन ज्यादा है कि ई टू ज्यादा है, नीचे वाले ज्यादा कैसे पता चला, नीचे वाले ज्यादा है, कैसे पता चला कि नीचे वाले ज्यादा है, देखो सुनो, इवन और ई टू को ध्यान से कंपेयर करो, के क्यू है दोनों में, है ना, नीचे आर माइनस ए और दूसरे में आर प्लस ए है कि नहीं है? अच्छा, नीचे वाला ज्यादा होगा तो पूरा कम होगा कि ज्यादा होगा? तो मैं आपसे पूछता हूं सर, वन अपॉइंट टू और वन अपॉइंट फोर में कौन ज्यादा है, वन अपॉइंट टू और वन अपॉइंट फोर में कौन ज्यादा है? नहीं, वन अपॉइंट टू ज्यादा है भाई, ये आधा है और ये एक चौथाई है, वन फोर्थ, है ना? तो नीचे वाला जितना कम होगा ना पूरा का पूरा, उतना ही ज्यादा होगा, ध्यान रखो, ठीक है? जब ऊपर वाले सेम हो तो नीचे वाले को देख करके बता सकते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है, तो नीचे वाला जितना कम होगा ना उतना ही बड़ी हो जाएगी वो डिजिट पूरी की पूरी, तो इसमें कम कौन सा, नीचे वाला, ये वाला कम है, यानी ई टू क्या है, ज्यादा है, समझाया नहीं है? अब ई टू ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E2 इवन ज्यादा है ना आपका, तो इवन की तो चलेगी घर में, बट जो ज्यादा होता है, जो जिससे बड़ा होता है उसकी चलती है, तो इवन माइनस E2, समझ में आया? माइनस क्यों करा, क्योंकि ज्यादा में से कम को माइनस करके तो निकल के आएगा, ठीक है? और E2 की डायरेक्शन क्या है, इवन की B2P, तो नेट डायरेक्शन में क्या निकल के आएगी आपकी, B2P ही निकल के आएगी, तो ज्यादा है जो ताकतवर है उसकी चलेगी घर में ना, तो E कैसे निकाला जाएगा, E1 की वैल्यू KQ R माइनस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं है? तो के क्यू तो कॉमन आ जाएगा नीचे से, तो वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं आया?
के क्यू। एलसीएम लोगे इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर डॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ये ऊपर होंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, भाई आइडेंटिटी से ओपन कर दिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए आर अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैसे आ रहा है पता चल रहा है? ये तो ओपन कर दिए मैंने, और ये क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन कर दिया, ठीक है ना। के क्यू देखो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या होता है फोर ए आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो आएगा, इतना रंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अब ध्यान से देखो कहां जगह जगह ही नहीं रही, अरेज करना पड़ेगा। चलो यहां थोड़ा सा नेट नीचे कर देता हूं, तो के ठीक है, और ध्यान से देखो Q ठीक है, 2A को मैं ले लेता हूं इसमें से, 4A है ना इसमें 2A ले लिया, तो एक 2 मैंने आगे लिख दिया, और ये R अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कितना लिखूंगा इसको मैं, अब देखो इसकी जगह मैं P लिख सकता हूं, तो 2KP R R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। ये P कैसे आया? अभी बताया था Q टू है P होता है ना, तो यहां से क्या आएगा E का फॉर्मूला क्या आ गया आपका। अब देखो ध्यान से, जो R होता है बेटा वो बहुत छोटा होता है, सॉरी R जो होता है बहुत बड़ा होता है A की तुलना में, तो R स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा A की तुलना में, यानी कि A स्क्वायर को यहां पे जीरो माना जा सकता है, ठीक है। तो क्या आएगा 2kp r और r स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2kp r r 4 2kp r q, ये हमारा नेट फॉर्मूला निकल के आता है। इसको भी नोट करो, फिर और समझाता हूं, ठीक है, इसको भी नोट करो।